आप देख रहे हैं गुहार छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तबादलों की शुरुआत होने जा रही है। बीते साल कोरोना की वजह से तबादलों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कैसी होगी तबादला नीति और किसे मिलेगा लाभ, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तबादलों की राह देख रहे अधिकारियों कर्मचारियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। राज्य सरकार अप्रैल में नए सिरे से तबादला नीति घोषित कर सकती है। मई जून से तबादलों की शुरुआत होगी, लिहाजा लंबे वक्त से तबादलों की राह देख रहे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से पिछले साल भी तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। माना जा रहा है कि अप्रैल में तबादला नीति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन इस बार तबादलों को लेकर नीति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रदेश में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 3 लाख अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। पिछली बार भी इन्हीं कर्मचारियों के आवेदन सबसे अधिक आए थे। इस बार भी माना जा रहा है कि 10 से 15% कर्मचारियों के आवेदन सामने आएंगे। इसे लेकर सरकार ने नीति बनाने की तैयारी तेज कर दी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अप्रैल में नीति सामने आ सकती है। कोरोना की वजह से तबादले नहीं हो पाए थे, इस बार ऐसे लोगों को राहत मिल सकती है। कोरोना के कारण जो ट्रांसफर की स्थानांतरण की हमारी नीति थी, उसको हमने 2 साल स्थगित रखा था। आवश्यक स्थानांतरण कहीं कहीं किए गए थे, लेकिन जो व्यापक पैमाने पे लोगों के एप्लीकेशन पे स्वेच्छा से और कुछ प्रशासनिक स्थानांतरण होते हैं, वो लगभग 2 साल हो नहीं पाए हैं। अभी भी कोरोना का ये संक्रमण लगभग बढ़ रहा है। परिस्थितियां क्या बनती हैं ये आने वाले समय में पता लगेगा। उसके बावजूद भी चूंकि बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इसको करना पड़ेगा। तो शायद ये अप्रैल माह में इसकी बैठक हो और इस बारे में कोई सुविचारित नीति से हम लोग काम करेंगे। इधर इस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के साथ न्याय कर पाएगी ऐसा लगता नहीं है। नीति आने के बाद समझ आएगा कि इसके पीछे क्या वजह है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह तो 12 महीने से चल रहा है, बंद कहां हुआ है। आज अधिकारी चिंता में रहते हैं कि कब किसकी विदाई हो जाए। अब देखते हैं इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या यानी यदि पारदर्शिता के साथ कोई काम होता है तो अच्छा होता है, मगर जो मापदंड इस सरकार के है उसमें मैं उम्मीद नहीं करता कि सब न्याय होगा। ये तो 12 महीने चल रहा है, बंद कहां हुआ है। आज अधिकारी जो है अनिश्चितता की स्थिति में उनके हमेशा रहते हैं कि कब किसकी विदाई हो जाए, और इसलिए इसका जो प्रभाव पड़ा है, विगत 2 वर्ष में आप धरातल पर जाएंगे तो सरकार की ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनी जो आज आपको अस्तित्व में जमीन में दिखाई दे और उसका अस्तित्व आए। जिस प्रकार से अधिकारियों में कि ट्रांसफर की जो पॉलिसी सरकार के रही है, तो अधिकारियों में भी इस बात को लेकर के अनिश्चितता रहती है, और इसलिए वो भी रूटीन कार्य को छोड़ करके आपको प्रदेश में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि जिसको ये कहा जा सके कि 2 साल की उपलब्धि है। राज्य सरकार की कोशिश होगी कि तबादलों से सरकार पर वित्तीय बोझ न बढ़े, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर होने वाले तबादलों में सरकार को टीए का प्रावधान भी करना पड़ता है। ऐसे में करोड़ों रुपए की राशि खर्च हो जाती है। इस वजह से आर्थिक बोझ को कम से कम करने पर खास तौर पर फोकस रहेगा। IND24 के लिए रायपुर से कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।
तो तबादलों पर तकरार लगातार जारी है। बात यदि हम छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त से तबादले रुके हुए हैं, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि इस तबादले नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इसके पहले हमने देखा कि विपक्ष के द्वारा तमाम मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर चर्चा भी की गई है, कई बार विपक्ष सड़कों पर भी नजर आया है, लेकिन अब यदि बात अधिकारियों कर्मचारियों की जाए तो तबादला नीति सामने आती है और सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर जो छत्तीसगढ़ में अभी तक अधिकारी और कर्मचारी तबादले की राह देख रहे हैं, आखिर उनका इंतजार कब पूरा होगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय मैं आपका उनसे करा दूं, उसके बाद चर्चा को हम विस्तार देंगे। हमारे साथ नितिन भंसाली साहब जुड़ चुके हैं, नेता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस से, स्वागत है सर आपका N24 में, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और उमेश घोरमोड़ी जी जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी से, स्वागत है सर आपका भी N24 में। सबसे पहले उचित शर्मा जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा सर, वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ की राजनीति आपने देखी है, एक नई तबादला नीति आने वाली है, आप कैसे देख रहे हैं तबादला नीति को और क्या इसमें नवाचार देख रहे हैं? अभी तो अभी बीमारी है, नो डाउट कि ये सरकार, किसी भी सरकार की ये सतत प्रक्रिया है। देखिए ट्रांसफर उद्योग अभी से चालू नहीं हुए, ट्रांसफर उद्योग पूर्व काल में भी, पूर्व सरकार में भी थे, अभी भी है। सवाल ये उठता है कि जो नीति ये स्वयं बनाते हैं, जो ट्रांसफर नीति जो बनती है, पॉलिसीज बनती है, क्या कोई भी सरकार उसको शब्दशः पालन करने के लिए संजीदा है? सवाल पुनीत ये उठता है कि आप अपने बनाई हुई नीतियों पे कितने संजीदा है। नो डाउट धर्मलाल कौशिक जी ने जो बोला कि भाई ट्रांसफर उद्योग तो साल भर से चल रहा है, ऐसी क्या नई नीति है, ये ठीक है, बहुत ठीक बोला उन्होंने। क्योंकि ट्रांसफर एक साल में, मैं देख रहा था अजय चंद्राकर जी के ट्वीट भी देख रहा था कि एक साल में लगभग इनकी लगभग 34-35 लिस्ट आई है लास्ट ईयर अगर देखें। 19 सवाल ये है कि जो ट्रांसफर नीति जो बनी 1920 की उन्होंने नीति दी जिसपे क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसरों के 10% होंगे, क्लास 3 के जो है 15% के आसपास ट्रांसफर होंगे जी। तो क्या इन नीतियों पे खुद सरकार संजीदा है? सवाल ये उठता है कि सरकार, आप देखिए पंचायत विभाग, कृषि विभाग और आपका शिक्षा चिकित्सा, ये काफी बड़े विभाग है, इनपे जो आप, इनपे जो 3-3 लाख लगभग इनके कर्मचारी है, करी है, तो इनपे आप जो इनके तमाम आवेदन आ रहे हैं, तमाम आप उस पर कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि बड़ी उसमें हाउस पोस्ट हो गई थी, बड़ी तकलीफें हुई थी सरकार को, विपक्ष ने कटघरे में भी खड़े किया था कि सरकार अपनी नीतियों पे भी, अपनी बनाई हुई नीतियों पे भी संजीदा नहीं होती तो इस तरीके से चीजें आने, तकलीफें आती है। हम इस उद्योग को पुराने सरकार में भी देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं ये, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है, इसको एक राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। दो और खास चीज, मैं अभी बयान पढ़ रहा था, देख भी रहा था, रामलाल कौशिक जी ने 19 में भी इसको ट्रांसफर उद्योग बोला, 20 में भी ट्रांसफर उद्योग बोला, 2021 में भी इसको ट्रांसफर उद्योग बोला। तो खैर वो अपने विपक्ष की भूमिका में है, उन्हें इसको एक उद्योग ही नजर आ रहा है, उस पर कोई बात नहीं। जब विपक्ष सत्ता जो वर्तमान में है, अगर ये भी विपक्ष में रहेगी तो भी यही बोलेगी, उनको एक ट्रांसफर एक उद्योग के रूप में वो देखते हैं। चलिए विपक्ष यहाँ पर ट्रांसफर उद्योग के रूप में देख रहा है, यहाँ पर उचित शर्मा जी ने अपना रिएक्शन दिया है, और नितिन भंसाली साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, और यदि मैं कुछ वक्त पहले आपको ले जाऊं तो एक वक्त विपक्ष में थी कांग्रेस, और कांग्रेस के द्वारा भी तबादला नीति को लेकर यह कहा जाता था कि उद्योग नीति सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ट्रांसफर एक उद्योग बन गया है, लेकिन अब जाकर आपकी सरकार आई है और एक इंतजार किया जा रहा है तबादला नीति का, इस तबादला नीति में हम क्या देख सकते हैं? क्या विपक्ष को ये आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि तबादला अब उद्योग रह गए हैं, या ये वाकई में कहा जा सकता है कि जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को उम्मीद है उन्हें न्याय के साथ सही तबादला नीति देखने को मिलेगी? देखिए विपक्ष का काम आरोप लगाना है, आरोप लगाना, उठे सही जो इनको सही लगे उससे हमें मतलब नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं, और जिनके मित्र ही उद्योगपति हो वो तो हर चीज में उद्योग शब्द का उपयोग तो करेंगे ही, अब कुछ भी तो तबादला उद्योग काम दे दिया, दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने 15 साल उद्योग ही चलाया है, इसलिए उनको घूम फिर कर इनके दिमाग में उद्योग ही ज्यादा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है, हमारी सरकार जो है, कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार प्रदेश में हर किसी वर्ग, हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी हो, हर किसी के साथ न्याय हो, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। तबादला नीति चूंकि अभी बनी नहीं है, बनेगी, अभी किस तरह की बनेगी, डेफिनेटली मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो भी नीति बनेगी या जो भी तबादलों के विषय में सरकार जो कार्य योजना तैयार करेगी वो निश्चित तौर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों के लिए होगी और उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा और 100% उनके साथ न्याय होगा, ये हमारी सरकार।
चलिए उमेश जी, मैं आना चाहूंगा आपके पास। लंबे वक्त से अधिकारी इंतजार कर रहे हैं तबादला नीति का, कर्मचारी भी उसमें शामिल हैं, लेकिन कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, यहां पर नितिन भंसाली साहब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो तबादला नीति आने वाली है, विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा कि उसे उद्योग नीति कहा जा सके। न्याय के साथ तबादला नीति आएगी और जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं जिन्हें इंतजार था, उन्हें न्याय के साथ तबादला मिलेगा। कुल मिलाकर ये साफ है कि अब एक साफ उद्योग नीति हमें, एक साफ तबादला नीति हमें देखने को मिलेगी। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, तबादला निश्चित तौर पे एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बीते दो सवा दो वर्षों के अंदर में साप्ताहिक तौर पे, मासिक तौर पे किस प्रकार से तबादला की सूची लगातार निकल करके आती रही है, हमने, आपने, तमाम लोगों ने देखा है। रह गई बात अधिकारियों और कर्मचारियों की, निश्चित तौर पे सभी अधिकारी कर्मचारियों की अपनी अपनी परेशानियां रहती है, अपनी मजबूरियां रहती हैं, और वो अपने मन मुताबिक स्थानों में जाने के लिए किसी कारण के तहत वो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय की बात करने वाली इस प्रदेश में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार इस तबादले के माध्यम से लगातार अन्याय कर रही है। और हम इसीलिए कह रहे हैं, जिस प्रकार से साप्ताहिक तबादलों की सूची हमको देखने को मिलती रही है, इसलिए हम कहते रहे हैं कि एक प्रकार से बीते लगभग दो वर्षों के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में तबादला उद्योग फल फूल रहा है, पनप रहा है, और उसका शिकार लगातार इस प्रदेश के कर्मचारी होते रहे हैं, और आज कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, लगातार अन्याय का शिकार हो रहे हैं, और उसका परिणाम आपको शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली से लेकर के योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन तक लगातार देखने के लिए मिल रहा है। और जिस प्रकार से तबादला नीति को लेकर के आज बात निकल करके आ रही है, तो आपको भी याद होगा कि इससे पहले भी तबादला नीतियां आती रही है, और उस तबादले नीति का किस प्रकार से माखौल उड़ाया गया है और किस प्रकार से स्थिति निर्मित हुई थी कि मुख्यमंत्री निवास में कमेटी भी बनानी पड़ गई थी कि इसका निर्णय, तबादलों का निर्णय, अंतिम निर्णय वह कमेटी लेगी, लेकिन उसके बाद भी ढाक के तीन पांच तमाम विधायकों के बीच और मंत्रियों के बीच में तल्खियां निकल करके सामने आई, तमाम विरोधाभास के बीच में मुख्यमंत्री जी को बीते वर्षों के अंदर में हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी यह तबादला उद्योग नहीं रुका, बल्कि और तेज गति से फलने फूलने लगा। अब न सिर्फ यह तबादला उद्योग का विषय है, बल्कि जब यह नीति निकल करके आएगी सुनील जी, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश अंदर में माफिया राज चल रहा है, तबादला को लेकर भी कांग्रेस के माफिया सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन उमेश बोली जी, लगेगी, बोली लगा करके कर्मचारियों अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन उमेश जी, यदि इतनी ही बातें आपने निकालकर सामने रख दी हैं, तो विपक्ष के पास तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सड़कों पर आखिर क्यों नहीं उतरता? देखिए, लगातार तमाम विषयों को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के, हमने तमाम विषयों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक इन विषयों को उठाने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार भागने वाली सरकार है। सदन में भी जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो समय से पूर्व सत्रावसान करके यह सरकार भाग जाती है, जब हम सड़क पर उतरते हैं तो इस सरकार के पास कहीं कोई जवाब नहीं होता, कुल मिलाकर के निरंकुश हो चुकी है सरकार। उमेश जी, पहले नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में आपके पास। जी नितिन जी, बात रखिए अपनी। ये बोलते हैं कि हम तबादला करते हैं, साप्ताहिक करते हैं, मासिक करते हैं। अरे सुन लो भाई, सुन लो बात को, सुनो मेरी बात को, सुनो, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, सुनो आप। बोलिए सर। ये बोलते हैं साप्ताहिक तबादले करते हैं, मासिक तबादले करते हैं। हाँ, हम तबादले करते हैं, हमारी हिम्मत है तबादला करने की। जो आदमी काम नहीं करेगा, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो सरकार की जो योजना है धरातल पर, आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को, किसान को मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिलेगी और वो अधिकारी उस काम करने में सक्षम नहीं है, तो हाँ, हम तबादला करेंगे और योग्य व्यक्ति को वहां भेजेंगे और उस व्यक्ति को वहां से हटाएंगे जिसको वहां पर उस काम करने की रुचि ना हो और उसको दूसरे किसी काम की रुचि हो तो उसको वहां लगाया जाएगा। ये बिल्कुल हम करेंगे, इस विषय में आपसे नहीं पूछेंगे। हमारी हिम्मत तो है, इनकी सरकार के जैसे दस दस, पांच पांच, तीन तीन, चार चार, पांच पांच साल तक एक एक जिलों में बैठे हुए लोगों को हटाने की जरूरत भी इन लोगों की नहीं थी, क्योंकि मंथली पैसा बंधा हुआ था, किस सुपर सीएम के माध्यम से जाता था यह जनता नहीं भूली है, पूरे प्रदेश के सारे लोग जानते हैं 15 वर्ष। लेकिन सर, यही आरोप तो कांग्रेस पर लगा रही है बीजेपी, और मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं उचित सर के पास आना चाहूंगा। जनता ने बेदखल कर दिया। नितिन सर, रुकना चाहूंगा, उचित जी आपके पास आना चाहूंगा। तबादला नीति सर, इसको लेकर भी सिर्फ राजनीति ही अभी तक देखने को मिली है? जी बिल्कुल,
इस पे जो कई बातें कही गई है, जो लिखी गई है, जो बनाई गई है, उसका शब्दशः पालन क्या, उसका तो 50% पालन भी नहीं हो रहा है। केवल नीति बनाने की एक औपचारिकता है जिसको पूर्ण कर ली जाती है एक बार में, लेकिन तबादले चीजें चाहे। देखिए जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उसमें ऐसा तो लग रहा है मुझे कि जैसे भाजपा के शासनकाल में राम राज्य था, ऐसा मुझे पहले भी नहीं लगा, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा जैसे वो बोल रहे थे, ऐसा नहीं था। और मैं ये भी कहता हूं कि अभी भी नहीं है, अभी भी जो पूर्व स्थिति थी वो आज भी बनी हुई है। यहाँ पे पद और ट्रांसफर, पद और पदवी और ट्रांसफर पहले भी उसके ऑप्शन होते थे, अभी भी हो रहे हैं, कोई नया परिवर्तन नहीं है। नो डाउट कि अभी कम से कम जनप्रतिनिधियों की, सांसदों की, भाई आप ही डिसाइड कर लीजिए ना भंसाली जी, क्या हो रहा है वो भी आप ही तय कर लीजिए राजीव भवन में बैठ के। ऑक्शन करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, जो उद्योग उद्योग बार बार नहीं नहीं नितिन जी भंसाली जी धैर्य रखिए, सुन तो लीजिए आप राजीव भवन में बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके सामने हम आईना दिखा रहे हैं, तो सुनिए आपके भले के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, पूर्व में भी चलता है तो अभी भी चल रहा है, कोई ऐसी नई स्थिति नहीं है। क्या हम नहीं जानते क्या विपक्ष, वो तो विपक्ष हमारे यहाँ कमजोर है। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि 15 विधायक उस ईमानदारी से संजीदगी से अपनी बात नहीं उठा पा रहे, अदरवाइज आप बात सदन को आप 16 दिन पहले खत्म कर देते। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है कि भाई भाई आप उसके पहले आप इतने दिन आपने कम कर दिए, वो क्यों हमको नहीं समझता है क्या कि आपको असम चुनाव में जाना है आप लोगों को है? हमको नहीं समझ रहे कि वहां वाद संवाद हो नहीं ठीक नहीं नहीं ठीक है आप अपना पक्ष निभाए ठीक है, आपके बाद आपसे गलत हो सकता है, लेकिन आवाम के हिसाब से वो ठीक है, एक सोची समझी योजना है। आप लोग आसाम जाना है इसलिए आपने जो संवाद वाद करना चाहिए वो नहीं किया। कई आवाम के जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि सदन में बहस से हट गए, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से हटा दिया गया। ये तो दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ प्रदेश का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जनप्रतिनिधि की कम से कम सुनवाई तो हो रही है। जनप्रतिनिधि लोग बोल रहे हैं कि इनको हटाइए, जो विधायक बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है। हाँ, पूर्ववर्ती सरकार में ये रिमोट कंट्रोल केवल एक ही व्यक्ति के पास था, ये बात सत्य है कि पूर्व में और अभी भी एक व्यक्ति के पास था, उन्हीं के हिसाब से ट्रांसफर होंगे, उन्हीं के हिसाब से काम किए जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज है, लोग पार्षद भी, प्रतिनिधि भी, जनप्रतिनिधि भी, विधायक भी अपना कम से कम हिम्मत तो रख रहा है बोलने की। पिछले पूर्व सरकार में ऐसी कोई हिम्मत नहीं रख पाता था, केवल वन मैन शो था, वन मैन शो। रिज जी आप भी जानते हैं, विपक्ष के नेता भी जानते हैं, सत्ता पक्ष भी जानता है कि वन मैन शो था, लोगों ने वो देखा है किसके हिसाब से काम होंगे, केवल पपेट बैठाए जाते थे, पपेट अभी भी बैठा रहे हैं कि कौन हमारे हिसाब से क्या है, कि लोग वरिष्ठ नहीं घनिष्ठ देख रहे हैं, कौन सत्ता के करीब है वो देख रहे हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, पूर्व भी होता आया था, अभी भी हो रहा है। कौन सी चीज नई चीज आई है, जनता को तो वही देखने मिल रहा है जो पूर्व देखते हैं, कोई अभी राम राज्य आ गया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो चीज चलते आई है सत्ता में वो चलेगी, पूर्व भी चल रही थी। विधानसभा की, विधानसभा की जो बात कह रहे हैं उचित जी, थोड़ा मेरी बात भी सुनिए, अच्छा बोलते हैं। विधानसभा में क्या हुआ, दो मंत्री विधायक करीबन 4-5 कोविड पॉजिटिव निकले, सभी की सहमति भी थी एक तरीके से, सैद्धांतिक सहमति भी थी कि भाई अच्छा। दूसरी बात एक और आपको बता दूं काम की, कि हर बजट के, हर विभाग के बजट की जब चर्चा के लिए आमंतरित किया गया विपक्ष को, ये भाग्य है कि कभी गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर गांधी जी का नाम लेते हैं और नाथुर। अरे आपके नेता सवालों का जवाब नहीं दे पाए भंसाली जी, जब आपके नेताओं से पूछा जाता है कि आपने मंडी टैक्स खत्म करने का वादा किया था, आपने बढ़ा दिया, कब आप खत्म करेंगे, कब वादा पूरा करेंगे, आपके नेता भाग जाते हैं। आपसे पूछा जाता है आप शराबबंदी का वादा करते हैं 600 रुपए उसकी आबकारी आय का लिमिट तय कर देते हैं, आपके नेता भाग जाते हैं, आपके नेता आपराधिक विषयों में भाग जाते हैं, आपराधिक। लेकिन नितिन जी, लेकिन नितिन जी विपक्ष को ये कह रहा है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं थे, आप सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। एक सवाल के 10 जवाब थे, ये कैसे बोल सकते हैं हमारे पास जवाब नहीं थे। उठा करके देख लीजिए, आपके मुख्यमंत्री तक बोल बोल जवाब देते हुए दिखे। आपसे पूछा गया आपके मुख्यमंत्री जी से कि आपने कितने वादे पूरे किए, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद आकर के वो अटक गए, उसके बाद उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इस प्रकार से तो आप सदन चला रहे थे, सदन से भागने का प्रयास कर रहे थे, और आप यहाँ कहते हैं कि हम सदन नहीं चलने देते। अरे जवाब से आप भाग रहे हैं। हमारे जो भाई है
नितिन जी, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट ना करें सर। यदि मैं बात कर लूं वादों की, तो 36 में से 24 वादे पूरे किए गए थे कांग्रेस ने, कुछ दिन पहले तक ये कहा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है? कुल मिलाकर 14 वादे पूरे किए गए हैं, या आखिर अंतर कैसे आ गया आंकड़ों में? कोई अंतर नहीं है, बाकी जो 10 वादे वो भी जो उन्होंने कहा होगा 14 और 24 में, मतलब जो 10 वादे वो बिल्कुल उस पे पूरे होने की कगार पे है, पूरे होने की कगार पर है सर, पूरे हो जाएंगे। लेकिन सभी कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि 24 वादे पूरे कर दिए गए, पूरे होने की कगार पर है, क्या इसमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा? कोविड के शेष का क्या हुआ? कोविड के शेष का क्या हुआ भैया? जो शराब में लगाया आपने कोविड के लिए, उसका खर्च हुई, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है। गोधन न्याय योजना के लिए जो शराब में शेष लगाया, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल सारे जवाब है, एक सवाल पूछो 10 जवाब है। अरे पूछो सदन में, अब यहाँ भी भाग रहे भंसाली जी, अभी जो तबादला माफिया सक्रिय होने वाले ना कांग्रेस के, उससे बचते हुए विषय को डाइवर्ट करते हुए यहाँ डिबेट में भी भाग रहे हैं भंसाली जी। अरे बता दीजिए भैया, तबादला नीति क्या बनेगी और आपके कितने? नितिन जी बताइए, नितिन जी बार बार आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एक सवाल के 10 जवाब है, बताइए तबादला नीति कैसे होगी? तबादला नीति कैबिनेट में तय होगी, मैं कोई विधायक या मंत्री तो हूँ नहीं, जिस दिन तय होगी उस दिन आप चैनल में बुला दीजिए सरकार। लेकिन सर सरकार सर सरकार का पक्ष तो आप रख रहे हैं ना, बताइए ना कि आखिर आम जनता क्या हुआ कि नहीं हुआ, यही बता दीजिए। पिछले बार की नीति तो आपको मालूम है ना भंसाली जी, पिछले वर्ष की नीति आपको मालूम है क्या नीति थी, उसको आपने पालन किया कि नहीं किया बता दीजिए। पिछले वर्ष कोरोना काल में तबादला नीति में काम नहीं हो पाया, तबादले नहीं हुए, तबादले रोके गए, इस वर्ष हमें तबादले करने जो आवश्यक होंगे प्रतिशत के अनुसार, जो मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। किसके हुए वो मैंने बताया। चलिए नितिन जी रोकना चाहूंगा, पहले मैं उचित सर के पास आऊं, उसके बाद मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। उचित सर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक सवाल के 10 जवाब हैं, लेकिन यदि इसके इतर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए या शराबबंदी की बात कर ली जाए, इस पर सरकार आखिर कुछ नहीं कहती है? देखिए ना, तो ये सदन में ना सड़क पे जो संजीदगी से सवाल का जवाब देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। क्यों टीबीसी के भ्रष्टाचार के जवाब नहीं दे पा रहे? क्यों आरी डोगरी में चल रहे भ्रष्टाचार के जवाब नहीं दे पा रहे? शराब में जो दो दो काउंटर है उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? गोठान में जो 372 करोड़ रुपए जमा हुए उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? योजनाएं अच्छी है, चीजें अच्छी है, आप अगर इतने ईमानदार है और गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का वादा आपका है तो निश्चित तौर पर आपको ये वादे निभाने चाहिए। अगर आप दूसरों से अलग है तो निश्चित तौर पर आपको ऐसा ऐसी एक नजीर पेश करना चाहिए ताकि आप लोगों को बता सके कि हम इनसे अलग है। केवल अपनी ही चीजें बताते रहेंगे कि हमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा नहीं, हम आपके विरुद्ध नहीं है, हम आपके शुभचिंतक है, इसको समझिए। आवाम आपकी शुभचिंतक है, अच्छे से आप सरकार चलाइए, सत्ता में आप है। बिल्कुल, हम आपसे कोई भी जवाब मांगे तो आप भी बोलते भाजपा ने 15 साल में ये किया, भाजपा ने 15 साल में किया। अरे 2.5 साल आपको भी हो गए, जवाबदारी आपको भी तय होनी चाहिए। बिल्कुल आपको उचित जी, ये हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ये समस्या है जो ये बात 15 साल में जो इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार सड़कों पे पाया, इनके मुख्यमंत्री जी को खुद कहना पड़ा रायगढ़ में नितिन जी एक साल का। लेकिन नितिन जी ये बताइए, यदि 15 साल में इतना ही कुशासन रहा है, 15 साल में इतना ही कुशासन रहा है सर, तो वो पार्टी आज विपक्ष में बैठी हुई है और इसीलिए जनता ने आपको चुना है। बिल्कुल चुना, जनता ने भरोसा जताया है और हमने जो हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए वो पूरा करना हमारा दायित्व है और हम उसको पूरा करेंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। 36 वादे किए गए थे सर, 36 वादे कब पूरे होंगे? 36 वादे पूरा, एक वर्ष बुरा निकला है ये हमारे लिए नहीं, छत्तीसगढ़ की। चलिए संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है उमेश जी। चलिए सर, पूरी एनर्जी के साथ आप लोग फिर से आएंगे और आप अपने वादे पूरे करेंगे। उमेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, विपक्ष के नाते आप कैसे देख रहे हैं, कितने वादे पूरे किए जाएंगे, कब तक वादे पूरे किए जाएंगे? देखिए, वादों के पूरे करने के विषय की अगर हम बात करें तो मुझको एक ही वादा याद आता है जो कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी के साथ
पूरा करने का काम किया है और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वह वादा यह है कि इन्होंने वादा किया था कि इनकी सरकार आएगी तो सरकारी सेवा की घर 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 पहुंच सेवा ये कर करके देंगे और इन्होंने उस वादे को पूरा किया। जब इनकी सरकार आ गई तो पूरे छत्तीसगढ़ के घर घर तक सरकारी शराब पहुंचाने का वादा इन्होंने पूरा किया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस प्रकार की तो इनकी नीति है, जो वादे इनके मतलब के रहते हैं जिससे इनको लाभ होता हुआ दिखता है वह वादे पूरा करते हैं। चलिए सर, वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे कार्यक्रम को यही समाप्त करना होगा। हालांकि ये मुद्दा तो सर ऐसा है जिस पर आने वाले कई वक्त तक बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में तबादले की राह अधिकारी और कर्मचारी देख रहे हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि अप्रैल में एक नई तबादला नीति देखने को मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा यह तबादला नीति कैसे होगी और क्या जो सच्चाई के साथ, जो न्याय के साथ अधिकारी और कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि हाँ उनका तबादला होगा, और विपक्ष को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि तबादला नीति अब एक उद्योग नीति में परिवर्तित हो गई है। कुछ ऐसी ही उम्मीदें आम जनता भी रख रही है। इसी के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।